हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट क्लास। आज मैं आपको स्टिल लाइफ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक फ्लावर पॉट ड्रॉ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक रफ, यहाँ पर जैसा हमको शेप बनाना रहेगा तो इसमें रफ एक ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जो हमारा शेप है वो बाद में हम परफेक्ट बना सकें। कुछ इस टाइप का हम फ्लावर पॉट बनाएंगे। तो ये मैंने इसको लाइट लाइट थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर लिया है। अब इसी को हम मेजरमेंट से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें हम रफ कर लेते हैं। ये हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा एक पॉट का शेप ड्रॉ हो गया है। और इसके साइड में हम जैसे कि एक मग और ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें शेडिंग का है, जैसे कभी भी शेडिंग की जाएगी तो एक लाइट, एक तरफ से लाइटिंग कर लाइटिंग पड़ेगी और दूसरी तरफ से उसकी शेडो आएगी। तो जैसे कि यहाँ से अगर लाइट दी जाए, यहाँ से एक लाइट पड़ रही है तो यहाँ तरफ से लाइट अपन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइट दिखाएंगे, शो करेंगे और फिर यहाँ पर इसकी शेडो आएगी। तो यहाँ पर डार्क अपन शेडिंग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ से डार्कनेस, जैसे यहाँ से लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे डार्क अपन शेड देंगे इसका। जैसे कोई वस्तु है, अब उसकी जैसे कि एक तरफ से लाइटिंग, एक तरफ से डार्क हो, उसको हम दिखा रहे हैं। तो जब कोई की जब लाइट पड़ती है तो उसकी जाहिर से बात है उसकी शेडो भी होगी होगी। तो उसके यहाँ पे हम शेडो को भी हम दिखाएंगे यहाँ पर। जिस साइड से लाइट होगी उसके अपोजिट साइड से उसकी शेडो हम ड्रॉ करेंगे। मग को भी हम थोड़ा सा सबसे शेक दे करेंगे। इसमें यहाँ से लाइट हो रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पे इसकी शेडो आएगी। फिर ऑब्जेक्ट के पास में जैसे कि डार्क रहता है और उसके जैसे जैसे वो दूर होता रहता है उसे लाइट शेडो दिखेगी उसकी।
जैसे कि फ्लावर पार्ट है, तो इसमें हम फ्लावर और थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको लाइटिंग और शेडो के बारे में बताया है, तो नेक्स्ट में आपको और बेसिक शेप से ही हम आगे और आपको स्टिल लाइफ और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी आपको।